आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है, किसी भी एनिमल का पोस्टीरियर व्यू देख करके, मतलब पीछे से देख करके कैसे अलग अलग बीमारियों को पहचानते हैं, इस कड़ी में मैं ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज का वीडियो है जो हमारे कई सारी बीमारियों को एक साथ एसेंबल्स फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारा ये नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू में हमने इसको चार भागों में डिवाइड किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, लेफ्ट डार्सल क्वाड्रेंट, राइट डार्सल क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट वेंट्रल क्वाड्रेंट एंड राइट वेंट्रल क्वाड्रेंट। अब इस नॉर्मल व्यू के अलावा अगर किसी एनिमल में जो लेफ्ट वेंट्रल क्वाड्रेंट है, अगर उसमें स्वेलिंग ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब वो एनिमल जो है उसमें ब्लॉट की कंडीशन है, मतलब उस एनिमल में गैस बना हुआ है। इसके अलावा अगर किसी एनिमल में लेफ्ट डार्सल क्वाड्रेंट में स्वेलिंग है और उसके साथ साथ राइट वेंट्रल क्वाड्रेंट में स्वेलिंग है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो उस एनिमल में एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो है बैगल इंडाइजेशन का। इसके अलावा एनिमल में एक और बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है जिसको न्यूपेरिटोनियम कंडीशन बोला जाता है। ये कंडीशन जब भी होगा, जब पोस्टीरियर व्यू आप देखेंगे तो उसमें जो लेफ्ट डार्सल क्वाड्रेंट होता है उसमें स्वेलिंग आपको नजर आएगी और साथ में जो राइट डार्सल क्वाड्रेंट होता है उसमें स्वेलिंग नजर आएगी। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है, अगर किसी एनिमल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अगर उसके डिस्टल एंड पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर वो अर्ली स्टेज में होगा, तो उस कंडीशंस में जो आपको स्वेलिंग या बल्जिंग नजर आएगा वो लेफ्ट वेंट्रल क्वाड्रेंट में नजर आएगा और साथ में राइट वेंट्रल क्वाड्रेंट में नजर आएगा। लेकिन यही बल्जिंग या यही स्वेलिंग धीरे धीरे लेफ्ट डार्सल क्वाड्रेंट की तरफ भागेगा, साथ में राइट डार्सल क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, तब समझ जाइएगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो है डिस्टल एंड पे, लेकिन अब ये लेट स्टेज का है, मतलब स्टार्टिंग में नीचे की तरफ बल्जिंग नजर आएगी और यही बल्जिंग धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन शिफ्टिंग इस तरीके से होगा कि नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको पूरा स्वेलिंग नजर आएगा, जैसा कि हमने जो ड्रा किया है एक स्टीकर के माध्यम से, उससे आपको काफी हद तक समझने में आसानी भी होगी। तो इस फिगर के माध्यम से जितना भी चीजें मैंने बताया है आपको, वो कभी भी आप एक दिन में सीख नहीं पाएंगे। ये जैसे जैसे समय बीतेगा और इस पे आप नजर डालेंगे और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप एनिमल को देख करके, पीछे से देख करके, आगे से देख करके, साइड से देख करके कई सारी बीमारियों का आप आकलन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।